समाहरणालय में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सोमवार को गरीब कल्याण रोजगार अभियान जल जीवन मिशन के तहत NOLB अंतर्गत निर्माणाधीन शौचालयों, हाउस कनेक्शन एवं DMFT कुसुम योजना आदि की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के 2 महीने समाप्ति के पश्चात लगभग 50% कार्य समाप्ति पर है। उक्त अभियान के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाते हुए दिए गए लक्ष्यों को ससमय पूर्ण करने का दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि गिरिडीह जिले के प्रवासी श्रमिकों को प्रथम प्राथमिकता देते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार के साधनों तथा जिला अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिले में चल रहे केंद्र सरकार द्वारा संचालित गरीब किसान कल्याण रोजगार योजना का साप्ताहिक समीक्षा कर पोर्टल पर सभी योजनाओं के कार्यों का अद्यतन MIS एंट्री एवं फोटो अपलोड करते हुए लक्ष्य अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह में बाहर से आए श्रमिकों कृषकों को कृषि के नए तकनीकी से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि श्रमिकों कृषकों को उनकी कुशलता के आधार पर विभिन्न योजनाओं एवं विभिन्न विभागों में रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर व सशक्त बनाया जा सके। कृषि विज्ञान केंद्र में मुर्गी पालन, मशरूम की खेती, सुअर पालन, बकरी पालन, पशुपालन, एकीकृत खेती, वर्मी कंपोस्ट हार्वेस्टिंग, मत्स्य पालन व अन्य से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है। जिले में 560 किसानों श्रमिकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से अब तक 400 से अधिक किसानों को उन्नत कृषि एवं पशुपालन हेतु प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश किसान कृषि एवं बागवानी, पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन आदि पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में सरकार व जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों एवं कृषकों को इस योजना से जोड़ उन्हें लाभान्वित करना है। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया कि विभागीय निर्देश के अनुरूप 100% प्रशिक्षण का कार्य अगस्त महीने के अंत तक पूर्ण कराते हुए अपने विभाग से समन्वय स्थापित कर डाटा GKRA के पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में मुख्य रूप से जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता स्वच्छता प्रमंडल 1 और 2, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विभाग प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता ADF एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित।